तो फाइनली मैगी रेडी हो चुकी है हमारी और रंग रूप में बहुत टेस्टी है, बहुत ही शानदार आ रही है, क्योंकि हमने टमाटर प्याज मैगी मसाला और मैगी मसाला एक्स्ट्रा भी डाले हुए हैं। ये पूरा एप्पल गार्डन है, बेलगांव के टोल टैक्स पे एंट्री करी है अभी अंदर। हट बज चुके हैं और होटल रोड पे ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है जैसे कोई गांव देहात में हो। सैम हम बहुत ज्यादा अंधेरा है, कुछ भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है डे 3 और सोनमर्ग में है और धूप निकल गई है। रूम के बाहर का वेदर दिखाता हूँ, काफी शानदार है। ये देखो, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, पूरे वाइट ही वाइट हो रहे हैं क्लोथ और माउंटेन्स भी पूरे। काफी अच्छा है, घूमते फिरते हैं, फ्रेश हो जाए, फ्रेश होके फिर बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, फ्रेश हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं अपना जर्नी की तरफ। लद्दाख का जोट जिला क्रॉस क्लोज हो गया है, बंद हो चुका है, अब चल रहे हैं पहलगांव की तरफ। और ये होटल के बाहर आज अच्छी खासी धूप निकली है, ये देख सकते हो। और ये रही सुनो हमारे होटल के बाहर होटल, और ये रही सुनो काफ़ी पड़ी हुई है। चलते हैं सुनो पे, बूट पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज पहने नहीं है। काफ़ी अच्छा है, लद्दाख नहीं जा पा रहे, बस इस चीज़ का अफसोस है और कुछ नहीं। मगर कोई नहीं, पहलगांव चलते हैं, कश्मीर घूमेंगे पूरा। सोनमर्ग कैसा है इस टाइम, लाजवाब सोनमर्ग है इस टाइम। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। एकदम मज़ेदार, चारों तरफ वाइट ही वाइट हो रखे हैं पहाड़, सब वाइट हो रखा है। चलने गाड़ी में सामान वामान अपना रखते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। अब चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर, गाड़ी वाड़ी लगेज सब पैक हो गया है, अब चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा और ठंड, हवा ऐसी चल रही है बहुत ही ज़बरदस्त। ये डिकैथलॉन वाली जैकेट पहनी है तो जाके आराम मिला है। अब चल रहे हैं अपने पहले ब्रेकफास्ट के लिए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इसलिए गाड़ी खड़ी कर दी है, हमने पैदल चल रहे हैं क्योंकि होटल के कुछ कदम आ गए हमारा, जहाँ हमने रात प्योर वेजिटेरियन पे डिनर कराता हूँ वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे चल के। ये यहाँ का माल रोड है, आ चुके हैं अपने रेस्टोरेंट पे, शुद्ध वैष्णो भोजनालय। ठंड काफ़ी है, काफ़ी ठंड है, बीच में बैठते हैं, काफी ठंड है, बैठो। ऑर्डर करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर आराम से बैठ के बातें होंगी, ठंड काफी ज्यादा है। तो आलू प्याज के पराठे ऑर्डर करे हैं पहले, और भी आइटम ऑर्डर करिए। ये रहे तंदूर के आलू प्याज के पराठे, इंजॉय करते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर बात करते हैं, खाते पीते हैं, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है, अब चल रहे हैं अपना पहलगांव की तरफ, और ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और ये देखो पहाड़ी डॉग, ठंडे ठंडे पानी पी रहे हैं, पानी भी जमा हुआ है यहाँ, जो पानी पी रहे हैं। काफ़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बर्दाश्त से बाहर है। जैकेट पहन ली तो अंदर तो नहीं लग रही, मगर नीचे पैरों में ठंड लग रही है,
मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। पहलगांव निकल रहे हैं, यहाँ से पहलगांव घूमेंगे और उसके बाद देखो बने रहो वीडियो में, मज़ा आने वाला है काफ़ी, ट्रैफिक भी काफ़ी। तो खड़ी हमारी गाड़ी, गाड़ी में फटाफट बैठ के निकलते हैं अपना पहलगांव की तरफ। ये सब आइस जमी हुई है, ये ब्लैक आइस हो गई साइड में और ये आइस हो गई सब में खतरनाक ब्लैक आइस। चलो चलने अपना पहलगांव की तरफ ना, गुलमर्ग तो पहलगांव चलते हैं पहले। तो श्रीनगर पहुंच चुके हैं, दल लेक के सामने पार्क है, कौन सा पार्क है ये? निशान मगल गार्डन है, आए हुए हैं घूमने के लिए, आज यहाँ घूमेंगे। मगर उससे पहले ले रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि छोले भटूरे खाए थे, कुछ अजीब सा गर्म गर्म सा हो रहा है, पेट मजा नहीं आ रहा है, तो सोचा ठंड में कुछ ठंडी चीज खाने का मजा लिया जाए। तो हमारे साथ एक बुढ़ा आदमी है मगर वो फलूदा खाता नहीं है, तो इस मजबूरी में हमें एक्सट्रीम खानी पड़ रही है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बोला। वो कहता है हमें ये चाउमीन ये चीज पसंद नहीं है, छपरा से है ना, इसलिए हम चाइना का बहिष्कार कर चुका है। नहीं, फलूदा तो हमारे इंडिया का है ना, मगर तो बड़े मियाँ खाएगा, बार बार आएगा बाबू। हमारे बड़े मियाँ कह रहे हैं एक बार खाएगा, बार बार आएगा बाबू, आएगा तुम्हारा, कह रहे हैं एक बार खाओगे तो बार बार आओगे, मगर एक बार चेक करते कैसे चीज है और इनका फिर बताएंगे। चेक करो सर, बहुत अच्छी चीज है, वाकई में एक बार खाएगा तो बार बार आएगा, जब भी आना हो मुगल गार्डन के सामने हमारे बड़े मियाँ हैं, इनका चेक करना। अच्छा है काफी। अब चलते अपना मुगल गार्डन के लिए। तो है मुगल गार्डन निशांत में आए हुए हैं। इसका अंदर जाने का चार्जेस है 24 रुपीज पर पर्सन, 4 पर्सन है हम, तो हमने 4 टिकट लिए हैं। तो ये है एंट्री गेट मुगल गार्डन का, घूमते हैं, इसमें फूल वगैरह वगैरह फॉलोवर्स हैं, सब कुछ ये है यहाँ पे। तो ये है पूरा गार्डन, सारे पेड़ पतझड़ की तरह हो गए हैं, ऊपर पहाड़ माउंटेन्स अपने, और ये रहा इधर। आओ पैसा ले पूरे दे, तो पूरा दिखाते हैं अंदर चल चल के कैसा क्या है अपना गार्डन। सारे फूल फॉलोवर्स सब कुछ, बस यही है, अच्छा है। काफी अच्छा, अभी तो बाकी जब पूरा घूमेंगे तब दिखाएंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि देख लेते हैं जो चीज़ अच्छी होगी वही चीज़ दिखाने में हो जाता है। पूरा मुगल गार्डन का अंदर का, मेंटेन कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं अच्छा खासा पूरा। तो यही है मुगल गार्डन अपना, घूमो फिरो, निशान मुगल गार्डन ठीक है, अच्छा है घूमने के लिए। ऊपर चलते हैं और इसमें इसके साथ साथ एक ये है वाटरफॉल के
लुप बना रखा है, थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर से आ रहा है सब में। ये देखो इस तरह से ये है, ऊपर से नीचे पानी आ रहा है। बस यहाँ फोटो शूट हो रहा है बस। बस यही है यहाँ, और इसके अलावा कुछ नहीं है। फूल है, कुछ फ़ोटोज़ होंगी जो हम क्लिक करेंगे। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे नीचे जाके देख सकते हैं, जो नीचे आ रहा है उसमें फ़ोटोज़ दिख जाएंगी आपको मुगल गार्डन की। एंजॉय करो, आगे वीडियो में बने रहो, कुछ अच्छा और मिलेगा देखने को। इनके टॉप पे आ गए हैं, बस यही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं, फूल लगा रखे हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये है, चलते चलते थक गए, काफ़ी बड़ा है। तो निशान मुदल गार्डन घूम लिया है, ठीक है, आए हैं यहाँ तक। तो ये भी देखना था, कल को ये नहीं रहता कि यार श्रीनगर गए और निशान गार्डन नहीं देखा, ठीक है। बच्चों के लिए है, फूल हैं, फोटोग्राफ्स के लिए है बस, इसके अलावा आई डोंट लाइक दिस बस। ठीक ठीक है, अब चलते हैं अपना डल लेक की तरफ, एंजॉय करेंगे डल लेक में, मिलते हैं अब डल लेक में चल के। शिकारा में बैठ गए हैं, 8 पॉइंट बटा रहे हैं घूमने के लिए, 8 पॉइंट घूमेंगे बढ़िया करके, फुल मजा लेंगे, फुल एंजॉय करेंगे। और जब आप आ ही गए हैं डल लेक के अंदर तो पूरे मजे ले लें। बहुत साफ पानी है, पानी एकदम साफ सुथरा है, अभी दिखाऊंगा अंदर ले जाके। नहाने का मन कर रहा है मेरा तो, पर नहाऊंगा नहीं। तो चलो चल शिकारा दिखाते हैं अंदर से पूरे पॉइंट, एंजॉय करो। यहाँ सनी भाई मित भाई बैठे हुए सामने आराम से फुल ले रहे हैं मौज, मतलब खुद तो लेता है एंजॉय, हम लेते मौज। हम हिंदुस्तानी, तू अंग्रेज। या या यो 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 पानी उतार दो, क्यों पानी भरेगा तू कैसे करेगा भैया। तो डल लेक पे एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, शॉपिंग वाले आ रहे हैं तो उनसे यही चीज कह रहे हैं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए सचिन भाई, क्योंकि हमें ये जो बेच रहे शीला जीत है और केसरी हमारे किसी काम की तो है नहीं भाई, और नकली कॉपी दे रहे हैं, गुड़ खट्टा जो होता है उसे शीला जीत बना के दे देते हैं। बहुत सी बार शीला जीत क्या करते हैं, बंदर की जो पोटी होती है उसे सुखा के, बंदर की पोटी बंदर की, तो उसे सुखा के उसे डुप्लीकेट बना के बेचते हैं, तो इसलिए हम लेते नहीं है क्योंकि हमें तो पता है शिलाजीत कैसे क्या है, क्योंकि जो असली शिलाजीत है पहाड़ों का पानी आता है, और केसर जो होता है वो होता है भुट्टे के दाग, और यहाँ जो केसर जो दे रहे हैं भुट्टे के जो अंदर के बाल जो होते हैं ना उस पर कलर पीला करके बेच देते हैं, तो ये चीजें हैं, इसलिए ध्यान रहो कभी लेना मत, प्योर लेना जब भी लेना, यहाँ तो मिलेगा चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो जब पता चलेगा तुम्हें। हाँ मिलते हैं थोड़े से ब्रेक। डल लेक बता रहे ये है कश्मीर की कली और तुम्हारा मिशन कश्मीर, काफी पिक्चर यहाँ शूट हुई है ये जगह, वो पार्क के पास में समय मेन बता रहे ये है। मेन ये है डल लेक, आप अंदर चल रहे हैं, लोकल मार्केट है वहाँ, कुछ शॉपिंग वॉपिंग शॉल वॉल देखते हैं कुछ अच्छा मिलेगा तो। तरक्की हो गई है, वो लग गया सबने नाव में लगवा लिया अपनी इंजन, इंजन हाँ इंजन लग गया, इंजन लग गया सबके अब, होंडा का है। ये पीछे जो मस्जिद देख रहे हो ना, इस मस्जिद जो देख रहे हो आप इसके पीछे ये पत्ते देखे ना, ये लोटस लोटस गार्डन राइट साइड में। अच्छा लोटस गार्डन, अगस्त तक फूल होते हैं। अच्छा ये कमल के फूल खिलते हैं यहाँ पे, और ये पीछे जो मस्जिद बता रहा था ये आइलैंड है नीचे, मतलब कि आइलैंड तो समझ सकते होगे, नीचे पूरा बीच में बना हुआ है, उसके ऊपर पूरा गांव बसा हुआ है पीछे, और ये कमल का फूल मोदी जी का हमारे मिशन कश्मीर की शूटिंग भी इसी में हुई है बोर्ड में बता रहे हैं। अब ये अंदर जो जा रहे हैं, अब लोकल मार्केट है पूरी काफ़ी, और 70 किलोमीटर के अंदर ही लेक है, 70
70 किलोमीटर के अंदर लेक है, 70 किलोमीटर के अंदर। बहुत लंबी लेक है ये, और ये देखो 70 और इसके अंदर तो मछलियाँ भी काफ़ी होंगी लेक के नीचे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हैं, छोटी होती है वो बड़ी हो जाए। तो ये बता रहे इस लेक के अंदर मछलियाँ भी काफ़ी हैं। देखो राइट साइड में इसको बोलते हैं वीआईपी पॉइंट, राइट साइड में वीआईपी पॉइंट, इसके साइड अटैच है। अच्छा, ये वीआईपी पॉइंट है और गार्डन भी अटैच में है। हमारे पीछे बैठे हुए हैं, देख सकते हो बोर्ड का 12,000 का रूम का है। इसका ये प्रिंस ऑफ वेल्स बॉस एसी वाले हाउस बॉस। अच्छा जी, 12,000 पर नाइट, 12,000 पर नाइट यहाँ पे रूम है। हॉस्टल ये सब एसी वाले हैं, डीलक्स सब एसी वाले हैं। ये एसी जरूरत पड़ती है जून जुलाई में, जून जुलाई अगस्त। काफी बड़ा है, 70 किलोमीटर के अंदर है पूरा ये। और बाकी अब लोकल मार्केट अपनी स्टार्ट हो गई है, देखते हैं लोकल मार्केट घूमते हैं। ये तो बहुत पुराना है सर, ये तकरीबन 45 साल। तो ये लोकल मार्केट स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है, अंदर गांव है। जो भी अपने लिए कोई घर का सामान लेना आना आता है तो बता रहे हैं कि अपने अपने नाव लेके आते हैं। ये दल लेक की मार्केट है, अंदर फ्लोटिंग मार्केट है। थाईलैंड में ये देखो सारा सामान है, थाईलैंड में। ये पूरी मार्केट है, जम जाती है पैदल पैदल जाते फिर इस पे भी जम जाती है जल्दी। पर ये बिक्की है, ये जमती थोड़ी ना होगी, बर्फ ठंड में जम जाती है, दिसंबर में जब पूरी जम जाती है, पूरी जम जाएगी ना। पैदल जाते पैदल इस पे जम जाती है, पैदल घूमते इस पे और क्या चलते। बता रहे हैं कि दिसंबर में या जनवरी में पूरे जम जाते हैं, फिर इस पर पैदल चलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। कुल मार्केट कश्मीरी शॉल स्टोर और तुम्हारा टी कॉफी कश्मीरी मैगी, हमारे अमित भाई की सब में फेवरेट मैगी है ना। कुछ मत खिलाओ, कहते हैं पूरे जीवन में मैगी खिला दो बस। ये देखो पूरे बोट खत्म है, ये गांव वाले शहर चले गए भी रहने के लिए, जब वो आएंगे तब अपना चालू करेंगे। जब चिल्ला सर्दी पड़ती है ना तो बहुत सारी दिल्ली पहुंच जाते हैं के लिए। जम्मू जम्मू नहीं दिल्ली पहुंच। अच्छा, तो ये पीछे देखो ये घर है, पूरे गांव है, पार्क वहां रहते बहुत। अच्छा वहां जो भी हमने हां चिल्ला सर्दी मैं तिथि चंद्र ज्यादा बिजी। ये देखो पूरी यहां की लोकल मार्केट है। ये वाली बोर्ड खराब हो चुकी है, खराब हुई है। अच्छा, रिपेयरिंग चल रही है। ये पूरा टापू है और इसके ऊपर खेती होती है, शलगम मूली लौकी सब सब्जियां लगाई जाती हैं पूरा। इसके ऊपर अपना इन्हें आइसलैंड बना रखा है, इसी के ऊपर रहना वहना होता है, इनका घर बने हुए हैं। ये देखो इधर इनकी रिपेयरिंग विपेयरिंग बता रहे चल रही हैं जो बंद पड़े हैं। काफ़ी बड़ा है वो इंजन, कितने बता रहा था। तो दल लेक कंप्लीट किया है घूम फिर के, अब चल रहे हैं अपना, कहाँ चल रहे भाई? पहलगाम। अब चल रहे पहलगाम की तरफ। उससे पहले बनाएंगे हम अपनी कुकिंग करेंगे, मैगी बनाएंगे, बटर मैगी खाएंगे मज़ेदार वाली जबरदस्त। यहाँ रोक लो, यहाँ मिल जाएगी। नहीं है शॉप है शायद, ये शॉप है, शॉप है। अब मैगी बटर भी ले लेना, गाड़ी लगाऊं कहां, यही रोक लो ना कि कोई नहीं उतार दो, हम आगे रुक जाएंगे ना। तो मैगी वैगी लेते हैं, एंजॉय करेंगे, मैगी बनाएंगे और रास्ते का देखते देखते चलो। कोल्ड ड्रिंक ले ली सनी? ओके सर। स्प्राइट लेना हमारी, सवा घंटा का पता नहीं लगा, सवा घंटा लग गया। स्प्राइट लेना, स्प्राइट। ओके सर, कोई डिमांड सर आपकी? नो थैंक यू। एक लीटर की बटर की टिक्की एक लेना और मैगी ले लेना दो। आता है गुस्सा
फाइनली अपनी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं मैगी बनाने के लिए। ये लोकेशन तो यहाँ पे आगे बनाने कह रहे हैं तो मैगी आगे बनाते हैं। सचिन भाई पकड़ना, ये पकड़ना, ये पकड़ो, ये दोनों चीज उठा लो। तो लोकेशन मिली है मैगी बनाने के लिए, मैगी वैगी बनाते हैं, एंजॉय करते हैं बढ़िया करके। बीच सेंटर में आ जाओ ना, बता रहे हैं हमारे साथ कुछ फौजी भाई हैं हमारे, कह रहे थोड़ा अंदर जाके बना लो, तो अंदर बैठ के बनाते हैं। बस 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 बस, साफ सुथरा देख लो, साफ सुथरा ही है तो यहाँ रख लेते ना। ओली कोल्ड ड्रिंक जी बना ले। तो हमें अपनी लोकेशन मिल गया है, इसे बंद करना जरा ढक्कन, इसको ऊपर रख दूंगा ना। तो लोकेशन मिल गई है, मैगी बनाते हैं। तो फाइनली मैगी रेडी हो चुकी है हमारी और रंग रूप में बहुत टेस्टी है, बहुत ही शानदार आ रही है, क्योंकि हमने टमाटर प्याज मैगी मसाला और मैगी मसाला एक्स्ट्रा भी डाले हुए हैं, बहुत टेस्टी हो रही है देख के। एक थोड़ी सी यहाँ निकालो, ये चेक करो, मैं नहीं कर रहा समझा कर अभी, रुक जा, काफ़ी टेस्टी है, मैं चेक कर लेता हूँ, चलो कोई नहीं कर रहा है। तो ये किस चीज के हैं? अरे काफी टेस्टी है इनकी, बस काफी टेस्टी है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, उस फोटो मैगी वाकई में काफी टेस्टी बनके रेडी हो चुकी है हमारी, वैसे सर्व करनी है और खानी है, और मिलेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। ये क्या पौधे हैं? रेडी हो चुकी है, कैसी है भाई? बढ़िया सनी भाई, बहुत टेस्टी है, मजा आया। ये मेरी है, हम भी चेक करते हैं। अमूल बटर मैगी बनाई है वेजिटेरियन के साथ, काफ़ी टेस्टी है, मज़ा आ रहा है, खा के बात करेंगे। काफ़ी मज़ा आ रहा है, टेस्ट मिल रहा है। आर्मी कानवे है ना, वो इसका कानवे है ना चलते, इसीलिए वो हिफाजत के लिए। अरे खोला है क्या, क्या पानी बंद करे इसको, सुबह 9 बजे आएगा। चुके हैं एप्पल गार्डन पे, एप्पल ही एप्पल है। और एप्पल अंदर देखते हैं, पहले मैं अंदर हूँ। सचिन भाई ये पूरा एप्पल गार्डन है, ले आना सेब, मेरा भी ले आना। Ready?
तो ये पहलगांव से पहले एप्पल गार्डन है, वहाँ पर रुके हुए हैं। एप्पल खा के चेक करते हैं एप्पल कैसे इनके। ये रहे पूरे एप्पल गार्डन के एप्पल। क्या कह रहे हैं, एप्पल खिला रहे हैं? एप्पल का जूस वूस पी लेते हैं कैसे? गुजरात के एप्पल है ये देखो। हम पहलगांव के रास्ते में हैं, यहाँ एप्पल के बाग है। टैक्स पे एंट्री कर रही है अभी अंदर। एयर बैग है भाई। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? आर यू स्केयर्ड? आई एम यू। फाइनली पहलगांव में रूम ले लिया है। बड़ी मुश्किल से एक रूम मिला है, एक या दो रूम मिले हैं, छोटे छोटे रूम हैं। और यहाँ तो हाउसफुल चल रहा है, जिस होटल में जाओ हाउसफुल। और दूसरा, यहाँ लाइट नहीं है, जहाँ लाइट है वहाँ रूम नहीं है। बड़ी मुश्किल से टैक्सी स्टैंड के पास दो रूम मिले हैं, छोटे छोटे से हैं। बस ये कि नाइट स्टे करके निकल लें। बस नाइट में रुकने के लिए सोचा था कि दो तीन दिन पहलगांव रुकेंगे, मगर रूम कंडीशन देखने के बाद, एक तो यहाँ लाइट नहीं आ रही, पीछे से जनरेटर चला के सब लाइट दे रहे हैं। उसके बाद छोटा सा रूम दिया है, वो भी 6,000 रुपये में रूम दिया है, बिल्कुल बेकार रूम है। बस ये है कि मजबूरी है, फंसे हुए हैं तो आए हैं, तो यहाँ तक नाइट स्टे करनी है। कल देखते हैं कल कहाँ चलेंगे, कोई नई लोकेशन नई जगह पे चलेंगे। मगर उससे पहले अभी चलेंगे खाना वाना खाने, डिनर कराने, पहलगांव का माल रोड भी दिखाएंगे पूरा। और ये हमारे रूम का पूरा रूम दिखा, ये बेटे सचिन भाई ये रूम है। बस एक सोफा डाल रखा है छोटा सा, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, या टीवी है छोटा सा। बस पहलगांव ठीक है, कल घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं कैसा क्या है पहलगांव में। वैसे 2-3 बार आ चुका हूँ, मगर उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाता था, मगर अब आया हूँ तो बना के डालूंगा और घुमाऊंगा फिराऊंगा, आपको भी घर बैठे बैठे इंजॉय कराऊंगा, दिखाऊंगा कि पहलगांव घर बैठे बैठे आपको सर्दियों की वादियाँ दिखाएंगे यहाँ। और दूसरा, ठंड बहुत है यहाँ पे, जैकेट पहन लिए केचुआ वाली तो बहुत आराम मिल रहा है, काफ़ी ठंड है। क्योंकि अभी बाहर गया था जब मैं, होटल के रूम पता कर रहे थे, तो बस ये फ़ोन हाथ में निकालने का मन नहीं कर रहा था, इतनी ठंड है ये समझ लो। बस थोड़ी देर बैठ के अब चलते हैं, फ़ोन चार्जिंग लगा, फ़ोन में बैटरी बिल्कुल भी नहीं, 10-15 मिनट फ़ोन चार्जिंग लगा, फिर चलेंगे बाहर, दिखाते हैं, घूमते फिरते, माल रोड भी दिखाएंगे पहलगांव का, और डिनर भी करना है। अब मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब निकल चुके हैं होटल से बाहर डिनर करने के लिए, ठंड बहुत ज़्यादा है, फ़ोन हाथ में रख रखा है, बस मैं ही जान सकता हूँ बहुत ठंड है। और देख सकते हो पूरी पैक होके, मफलर वफलर बालों बांध बूंद के,
निकले हैं और ये है पूरा अब खाना खाएंगे प्योर वेजिटेरियन पे जैसे कि सबको पता ही है मीठा सब कुछ है आज तो मीठा खाएंगे नहीं बहुत दिन की डाइटिंग और मीठा खाएंगे दवा के आज या मीठा रहेगा या विकास रहेगा आज इतना मीठा खाना है दवा के थाली मंगा लो यार थाली है इनके पास तो इंजॉय करते हैं पहले ऑर्डर करते हैं फिर इंजॉय करेंगे अपना डिनर फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक तो डिनर विनर कंप्लीट करा है था खाना स्वाद था मीठा गुलाब जामुन मंगाया खाने के लिए और दोबारा रिपीट करा है वैसे तो एक खाली आया एक दोबारा करा है तो आज मीठा खाने का बड़ा मन कर रहा था चर्चा नहीं हुई बहुत दिनों से परहेज कर रखा था देखो गुलाब जामुन फिर से मंगाए हैं खाएंगे मज़ेदार वाले क्योंकि गरम गरम है मज़ा भी आ रहा खाने में गरम गरम हाँ गरम गरम है ना इसमें मज़ा आ रहा है टेम्परेचर माइनस का है मज़ा आ रहा है कुछ भी कहो मज़ा आ रहा है तो डिनर विनर करके बाहर निकले हैं होटल की तरफ जा रहे हैं अपने रूम की तरफ 8:30 बज चुके हैं और होटल रोड पे ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है जैसे कोई गांव देहात में हो उस टाइम हम बहुत ज़्यादा अंधेरा है कुछ भी नहीं है एक आधी गाड़ी वाड़ी दिख रही है बस अब टैक्सी स्टैंड के मारे बाकी रोड पूरा रोड खाली है पूरा रोड खाली है कोई भी रोड पर नहीं है और ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए रूम पर जा रहे हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर सेफ रहना और सुनो फॉल के मजे लेना बने रहना वीडियो में नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय।